रेड कलर की वायर को एक नंबर टर्मिनल पे लगेगा रोटरी स्विच के, यहां पे लगा करके इसको ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। अब इसके बाद येलो वायर जो होती है, येलो वायर दो नंबर टर्मिनल पे जोड़ेंगे, इधर से इधर कनेक्ट होगा ये। और ये ब्लैक वायर तीन नंबर पे, ये इसके जो पॉइंट है ये स्पीड के पॉइंट है। इसमें रोटरी स्विच लगा है, रोटरी स्विच के थ्री स्पीड का रोटरी स्विच है, जिसमें से तीनों वायर हमने लगा दिया है। ये रेड कलर की वायर एक नंबर स्पीड, येलो कलर की वायर दो नंबर स्पीड की है, और ब्लैक कलर की वायर इसमें तीन नंबर स्पीड की है। अब इसको रोटरी स्विच को यहाँ पे टाइट कर देते हैं, यहाँ पे ये इसके पीछे में लगता है, किसी फराटा में कहीं और लगता है, लेकिन इस फराटे में पीछे के साइड में टाइट हो जाता है। ये यहाँ टाइट कर दिया, येलो तार लगा दिया है, और ये ब्लू वायर है इसकी, ये फ्राटा मोटर की कॉमन तार है, यानी कि न्यूट्रल वाली वायर है ये। अब इसमें पावर सप्लाई वाली तार लेंगे, ये पावर सप्लाई वाली वायर है, दो वायर इसमें न्यूट्रल और फेज की। एक वायर को इसके साथ में ब्लू वायर के साथ में जोड़ेंगे, उससे पहले इसमें एक स्लीव डाल लेते हैं। ये यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, ये न्यूट्रल सीधा और स्लीव इसके ऊपर चढ़ा देंगे, ये इंसुलेटेड भी हो गया। फेज वाली वायर जुड़ेगी इसमें रोटरी स्विच के ये वाले पॉइंट पे, जिस पे पी लिखा हुआ है, ये पी वाले पॉइंट पे फेज वाली वायर को जोड़ेंगे, इनपुट फेज को ये यहाँ पे जुड़ जाएगी। इस तरह से इसके कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं। इसको दोबारा से लगा देते हैं। अब इसको बगैर ढक्कन लगाए हुए चला के दिखाएंगे आपको। फराटा फैन की वायर को पावर में कनेक्ट कर दिया है। अब इस रोटरी स्विच को घुमाने के लिए ये ऊपर का इसका कैनोपी को लगा देंगे, इसके बगैर ये घूमेगा नहीं। और ये चालू हो गया, ये एक नंबर स्पीड में अभी चल रहा है, और अभी दो नंबर पे, अभी तीन नंबर स्पीड, और अभी बंद। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और इसको कर दिया बंद। ये दोस्तों इसकी थी कंप्लीट कनेक्शन, आपने देखे फराटा फैन के। कोई आपका डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।